फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का। तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चंस को डिफाइन करूँगा जो 50 मार्क के होंगे। और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लगभग 20 मिनट का वीडियो रहने वाला है और आप कंटिन्यू पूरा वीडियो देखेंगे बिना काटे हुए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। और काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 2022 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक कहता है इसमें, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इस पर मिलती रहती है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हो और इस चैनल से जुड़ने से वंचित रह जाए, तो आप लोग उसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसको प्राप्त हो सके। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, टेरेसिंग मृदा क्षरण एक प्रभावी विधि है तो किसकी विधि है? तो ऑप्शन ए कहता है मैदानों में, ऑप्शन बी कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी कहता है मरुस्थलों में और ऑप्शन डी कहता है बीहड़ों में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा, मैदानों में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है तो मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है, फैक्टर पूछ रहा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए का आता है टूरिज्म, घूमना फिरना, ऑप्शन बी कहता है चारागाह, ऑप्शन सी कहता है सिंचित कृषि और ऑप्शन डी कहता है विकसित क्रियाकलाप। तो विकसित क्रियाकलाप, तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? तो राइट आंसर इसमें जो है चारागाह हो जाएगा, जो ओवर ग्रेजिंग होता है वो मरुस्थलीकरण का प्रमुख जो होता है फैक्टर होता है। नेक्स्ट आता है परत क्षरण का कारण होता है, तो परत क्षरण का कारण क्या होता है? हवा होती है या हिमखंड होता है या भारी वर्षा होती है, नदियों का तेज बहाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो भारी वर्षा होती है। परत क्षरण में जब भारी वर्षा होगी तो परत ऊपर की जो होती है कट जाती है, उसे ही परत क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा संरक्षण का अर्थ है, तो मृदा का संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन इसमें ए कहता है मरुस्थलों के फैलाव को रोकना, ऑप्शन बी कहता है वनों के रोपण द्वारा मृदा कटाव रोकना, ऑप्शन सी कहता है वायु और वर्षा के द्वारा मृदा क्षरण को रोकना। तो राइट आंसर इसमें जो है वो डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी इसमें राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा अपरदन का मुख्य संकेतक है, तो मृदा अपरदन का पूछ रहा है, तो सॉयल इरोजन का मेन फैक्ट इंडिकेटर जो होता है, तो ऑप्शन ए कहता है परत ओजोन गर्त, ऑप्शन बी कहता है वनों की कटाई, ऑप्शन सी कहता है वनारोपण, ऑप्शन डी कहता है बकरियों और घास चरने वाले पशु। तो राइट आंसर क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें जो है वो बी वाला हो जाएगा, वनों की कटाई, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है मृदा बंधन सबसे अच्छे तरीके से किया जाता है, तो ऑप्शन ए कहता है एल्गी द्वारा, ऑप्शन बी कहता है घास द्वारा, ऑप्शन सी कहता है माइकोराइजा द्वारा और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जो है वो आपका इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। और दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर जैसे स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर डालते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग जिसमें आपको डाउट रहता है वो गूगल से आप चेक कर लीजिए आंसर कौन सा राइट रहेगा, क्योंकि गूगल से ही आंसर ज़्यादातर जिसके क्वेश्चन के जवाब मुझे नहीं मिलते हैं गूगल से उठाना पड़ता है। तो आप गूगल चेक करके देख सकते हैं कोई भी आंसर जिसका डाउट रहता है, तो आप मेरे पास कमेंट ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आप गूगल से खुद से ट्राई कर लें। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है केवल अपवाह के संचय के लिए ढलानों पर गड्ढा खोदना कहलाता है, तो ऑप्शन ए आता है समोच्च खाई, ऑप्शन बी आता है समोच्च वेदिकाएं, ऑप्शन सी आता है सीढ़ीदार वेदिकाएं और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, समोच्च वेदिकाएं मतलब कंट्रोल ट्रेसिंग। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्षरित मृदा है, तो क्षरित मृदा कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है पौधों के लिए रिच पोषक तत्व,
बी ऑप्शन कहता है पौधों के लिए रहित पोषक तत्व, ऑप्शन सी कहता है पौधों के लिए अपरिवर्तित पोषक तत्व, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, पौधों के लिए रहित पोषक तत्व, तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो यही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्चिंग सहायक है, तो मल्चिंग सहायक किसमें है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए कहता है खरपतवार नियंत्रण में, ऑप्शन बी कहता है नमी संरक्षण में, ऑप्शन सी कहता है मृदा उर्वरता बढ़ाने में, ऑप्शन डी कहता है मृदा संरचना के विकास में। तो राइट आंसर इसमें जो होता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नमी संरक्षण में मल्चिंग जो होती है सहायक होती है। नेक्स्ट आता है फसल चक्रण आवश्यक है, रोटेशन ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल फॉर, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए कहता है मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी कहता है प्रोटीन के गुण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी कहता है मिनरलों के गुण बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी कहता है विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त करने के लिए। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें ए का हो जाएगा, मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए जो होता है फसल चक्रण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन ए कहता है बांध बनाकर, ऑप्शन बी कहता है उचित पौधों के रोपण कर, और ऑप्शन सी कहता है ओवर ग्रेजिंग अधिक चराई को कम करके, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से सभी, मतलब उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ अबव इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है यदि खेत में थोड़ी सी ढलान हो तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, तो ऑप्शन ए आता है समोच्च खेती द्वारा, ऑप्शन बी आता है समोच्च वेदिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी आता है समोच्च स्ट्रिप क्रॉपिंग द्वारा, और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, समोच्च खेती द्वारा, कंटूर फार्मिंग के द्वारा। और दोस्तों आपको बता दूँ, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से जब तक मेरे 150+ लाइक्स नहीं होंगे तब तक अगला वीडियो 2023 का क्वेश्चन पेपर मैं नहीं डालूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी लाइक्स 150 क्रॉस हों, तभी वीडियो नया आएगा। तो चलता हूँ अगले वीडियो की क्वेश्चन की तरफ कि पहाड़ियों पर खेती करने की सबसे सामान्य विधि, तो पहाड़ियों पर सबसे सामान्य विधि जो खेती करने की होती है वो आपका बेंच ट्रेसिंग होती है, सीढ़ीदार वेदिकाएँ, तो ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है अवनालिकाओं खंडों को समाप्त किया जा सकता है, तो किससे, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट रहेगा, तो इसका लेवलिंग करके मतलब समतल करके, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षरणकारिता कार्य है तो किसका कार्य है, तो ये रन ऑफ का, तो ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसमें भूमि क्षमता इकाई को संदर्भित करता है, तो कौन करता है, तो भूमि का वर्गीकरण या जमीन की ग्रेडिंग या उपयुक्त ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो भूमि क्षमता इकाई को संदर्भित जो है वो भूमि का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड करेगा, नहीं दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों जमीन की ग्रेडिंग और ये दोनों करेंगे, तो राइट आंसर इसका सी रहेगा। नेक्स्ट आता है मल्च भू परिष्करण बढ़ाता है, तो मल्च भू परिष्करण जो बढ़ाता है वो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो मृदा में नमी की मात्रा को बढ़ाता है, तो राइट आंसर यही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 19 नंबर मेढ़ों का निर्माण करके किसके उद्देश्य से किया जाता है, तो आपका बंड्स का निर्माण किसके उद्देश्य से किया जाता है, पानी बनाए रखने के लिए या मृदा नुकसान को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी कहता है ए बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हवा का विक्षोभ अधिक होगा, तो हवा का विक्षोभ जो है अधिक होगा, तो ऑप्शन ए कहता है खुरदरी सतह में, ऑप्शन बी कहता है चिकनी सतह में, ऑप्शन सी कहता है लहरदार सतह में, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर जो होगा खुरदरी सतह में हवा का विक्षोभ अधिक होगा, तो रफ सरफेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
मृदा अपरदक का कार्य है, तो मृदा अपरदक का क्या कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए कहता है क्षरणकारिता, ऑप्शन बी कहता है क्षरणीयता, ऑप्शन सी कहता है ए और बी, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर, जल अपरदन का क्रम है, तो जल अपरदन का क्रम जो है वो कौन सा होगा? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, स्प्लैश, सीट, रिल और गलीज, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हवा क्षरण किसमें अधिक होगा? तो हवा क्षरण जो है किसमें अधिक होगा? तो बंजर रेतीली मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, रेतीली मृदा में और दोमट मृदा में। तो राइट आंसर आपका किसमें होगा ज़्यादा अधिक? तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका रेतीली मृदा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि एक ही फसल किसी खेत में बार बार उगाई जाती है तो इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन ए कहता है मिट्टी का जल स्तर घटेगा, ऑप्शन बी कहता है नाइट्रोजन कमी के परिणाम, ऑप्शन सी कहता है मिट्टी हो जाएगी रोग की चपेट में, और ऑप्शन सी कहता डी कहता है विशिष्ट खनिजों की कमी उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर इसमें विशिष्ट खनिजों की कमी उत्पन्न हो जाएगी यदि आपकी फसल बार बार एक ही फसल उगाई जाती है एक लैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोकने के लिए मेड़, बांध और नालियों का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट आंसर आपका सरिता तट कटाव होगा, स्ट्रीम बैंक इरोजन, तो राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च सीमा वाला वायु क्षरण द्वारा प्रभावित भारतीय राज्य, तो भारतीय राज्य इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है गुजरात, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी आपका कौन सा कहता है? वो राजस्थान कहता है, तो राइट आंसर आपका इसमें राजस्थान रहेगा, तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मरुस्थलों की सीमा लगभग है तो कितनी है? तो ऑप्शन ए कहता है 69.9 लाख पर हेक्टेयर, ऑप्शन बी कहता है 39.7 लाख पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है कि 16.3 लाख पर हेक्टेयर, और डी कहता है 87.5 लाख पर हेक्टेयर। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा मुझे नहीं मिल पाया है, तो मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला होना चाहिए, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये इसका कोई करेक्ट मुझे आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन चलता हूँ कि भूमि संरक्षण केंद्र आगरा की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका वो डी वाला हो जाएगा, 11 मई 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 29 नंबर है, भारत में भूमि संरक्षण रीजनों की कुल संख्या तो कितनी संख्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, मृदा क्षरण अधिक होता है जब? तो ऑप्शन ए कहता है केवल वर्षा बूंदों का आघात हो, ऑप्शन बी कहता है वर्षा बूंदों के आघात के साथ सतह के ऊपर बहाव हो, ऑप्शन सी कहता है केवल सतह के ऊपर बहाव हो, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट इसका जो है वो बी वाला हो जाएगा, वर्षा बूंदों के आघात के साथ सतह के ऊपर बहाव हो, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर, भूतत्वीय क्षरण कहलाता है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए कहता है सामान्य क्षरण, ऑप्शन बी कहता है प्राकृतिक क्षरण, ऑप्शन सी कहता है रासायनिक क्षरण, और ऑप्शन डी कहता है ए और बी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें आपका डी वाला हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा कणों का अधिक टूटना या विघलन का कारण होता है, तो कौन कारण होता है? तो ऑप्शन ए कहता है कम अवधि के लिए उच्च वर्षा की प्रचंडता, ऑप्शन बी कहता है अधिक अवधि के लिए कम वर्षा की प्रचंडता, ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त सभी, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका इसमें सी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
त्वरित क्षरण होता है, तो त्वरित क्षरण किसके द्वारा होता है? वाटर द्वारा या विंड के द्वारा या बोथ ए और बी दोनों द्वारा या सीपेज बहाव के कारण। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका इसमें सी वाला हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों ए और बी दोनों जल के कारण भी होता है, वायु के कारण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायवीय क्षरण बहुत सामान्य है। तो वायवीय क्षरण बहुत सामान्य है, तो ऑप्शन ए आता है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन बी आता है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन डी सी आता है आर्द्र क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें बी वाला हो जाएगा, शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन सी बी राइट रहेगा दोस्तों। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा क्षरण के लिए अधिक प्रतिरोधक होती है? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 36 नंबर, मृदा का संहतीकरण या ठोसीकरण है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है क्षरण को बढ़ाता है, ऑप्शन बी कहता है क्षरण को कम करता है, ऑप्शन सी कहता है क्षरण पर कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी कहता है रंध्रावकाश बढ़ाता है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, इसमें क्षरण को बढ़ाता है, इंक्रीज इरोजन, ऑप्शन डी ए कहता है उसमें। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पानी के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है, तो तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए कहता है शुष्क क्षेत्रों में, ऑप्शन बी कहता है अर्धशुष्क क्षेत्रों में, और ऑप्शन सी कहता है आर्द्र क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट एंड अर्धशुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अपरदन का कारण बनने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पृथक्कीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कणों का पृथक्कीकरण मतलब टूटना अधिक होता है, तो कौन सी मृदा में? बलुई मृदा में, वन भूमि में, चिकनी मिट्टी में या पहाड़ी फेज में? तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा, बलुई मृदा में। नेक्स्ट आता है, क्षुद्र सरिता कटाव के बाद होता है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है अपस्फुटन क्षरण, ऑप्शन बी कहता है परक्षरण, ऑप्शन सी कहता है अवनलिका क्षरण, और ऑप्शन डी कहता है सरिता तीर क्षरण। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका इसमें सी वाला हो जाएगा, अवनलिका क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, खंड या अवनलिका क्षरण का अंतिम चरण होता है, तो अंतिम चरण इसका कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? तो इसमें रिल इरोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्षुद्रता क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवनलिका जिसमें अपरदन जारी होता है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर जो आपका एक्टिव अवनलिका हो जाएगा, डेड अवनलिका, अवनलिका विकास और भारी अवनलिका। तो राइट आंसर इसमें जो है वो आपका ए वाला हो जाएगा, एक्टिव अवनलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी आकार की अवनलिका खंड बहुत सामान्य है, तो ऑप्शन ए कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी कहता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और ऑप्शन सी कहता है समतल मैदानी क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी कहता है आर्द्र क्षेत्रों में। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खंड अवनलिका विकास निम्न चरणों में पूरा होता है, तो कितने चरणों में? तो ऑप्शन ए कहता है चार चरणों में, ऑप्शन बी कहता है दो चरणों में, ऑप्शन सी कहता है पाँच चरणों में, और ऑप्शन डी कहता है तीन चरणों में। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, चार चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खंड अवनलिका विकास का तीसरा चरण संदर्भित करता है, तो किसको? भराई अवस्था को, ऑप्शन बी कहता है प्रारंभिक अवस्था को, ऑप्शन सी कहता है अंतिम चरण को, और ऑप्शन डी कहता है विकासीय अवस्था को। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा, भराई अवस्था, हीलिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खंड अवनलिका विकास के उपचार चरण मतलब हीलिंग स्टेज में शामिल है, तो ऑप्शन ए कहता है वनस्पति आने की शुरुआत, ऑप्शन की बी कहता है अवसादों का निक्षेपण, ऑप्शन सी कहता है टनल बनना, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, वनस्पति आने की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 नंबर, खंड अवनलिका बनने की प्रक्रिया में अवनलिका का
प्रथम रूप है तो कौन सा? तो ऑप्शन ए कहता है वी आकार की अवनलिका, ऑप्शन बी कहता है यू आकार की अवनलिका, ऑप्शन सी कहता है टनलिंग नलिकाएं, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, टनलिंग नलिकाएं। और दोस्तों फिर से बता दूं कि आप लोग जब तक वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं पहुंचेंगे, तब तक 2023 का जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूं वो वीडियो आपको अपलोड नहीं होगा। और आप लोग कमेंट ना कीजिएगा उसके लिए, क्योंकि जब जैसे ही वीडियो के लाइक्स पूरे होते हैं वैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, और शाम 5 बजे से पहले अपलोड नहीं हो पाएगा वीडियो। और चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है जी, 3 खंड अवनलिका होती है, तो ऑप्शन ए कहता है बहुत छोटी, ऑप्शन बी कहता है छोटी, ऑप्शन सी कहता है मध्यम, और ऑप्शन डी कहता है बड़ी। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला, मध्यम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और वीडियो को ये लाइक्स भी बढ़ सकें। तो चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है स्थाई खंड अवनलिका नियंत्रण संरचना का निर्माण किया जाता है, तो ऑप्शन ए कहता है सीमेंट से, ऑप्शन बी कहता है मैसोनरी से, ऑप्शन सी कहता है कंक्रीट से, और ऑप्शन डी कहता है ABC तीनों से। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, ABC तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पवन अपरदन किस प्रकार का होता है, तो पवन अपरदन किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए आता है त्वरित चरण, ऑप्शन बी आता है भूतत्वीय चरण, और ऑप्शन सी आता है सामान्य चरण, और ऑप्शन डी आता है एंथ्रोपोजेनिक चरण। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? भूतत्वीय चरण हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मिलता हूँ दोस्तों 2023 के पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।